डॉक्टर कफील खान, मैं बहुत टाइम से इनके सपोर्ट में वीडियो डालता रहा हूं। शायद शुरू में जितने वीडियो मैंने डाले शायद ही किसी ने डाले हो, और अभी भी लोग बाग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कोई भी हो, वो डॉक्टर कफील के लिए उनके सपोर्ट में वीडियो डाल रहे हैं। अच्छी बात है। और मेरा जो वीडियो है ये आज की तारीख में उन वकील के लिए है, वकील साहब के लिए है, मनीष गोयल है उनका नाम, उनकी तस्वीर मैंने अटैच करी है। आई होप कि मनीष जी को इसका कोई बुरा नहीं लगे, मगर क्या है मनीष भाई, यही एक जरिए अब रह गया, जरिया आप और मैं भाई हैं, भाई भाइयों के बीच में अब इतनी दरारें पड़ चुकी है कि जरिया यही रह गया कि वीडियो में बोल के छोड़ दिया जाए। मनीष भाई, अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता है तो एक बार चिंतन जरूर करिएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे कितने वीडियो हैं मनीष भाई, डॉक्टर कफील इंडिया में काम करता है, आई हैवंट सीन इट, चाहे आपदा हो, बीमारी हो, जहां पे मनीष भाई ये जाके काम करते हैं वहां पे आप और मैं जा भी नहीं सकते, नाक निचोड़ रहे हैं अपन, 101% बता रहा हूं आपको। क्या है मनीष भाई, अपने देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अगर सरकार से सवाल करें तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। सरकारें तो आती जाती रहेगी मनीष भाई, आपको भी देश रहना है, हमें भी देश रहना है, हम वतन है हम। कल इंदिरा जी थी, अटल जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, आज कोई और प्रधानमंत्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जुडिशरी से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, अब आप बताइए मनीष भाई, 30-35% लोग क्रिमिनल्स अपने पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके लिए तो कोई एनएसए लगता नहीं है, कुछ नहीं होता। हमारी देश की जनता अनाड़ी है, ये बात तो पक्की है, इनको पता ही नहीं कैसे चुनना है लोगों को, ये बात तो मैं शुरू से बोलता आया हूं, ये खुद ही चुनते हैं और फिर इनका 5 साल इन लोगों का रोना शुरू रहता है, मगर चुनते यही लोग हैं, गलत, वो भी बात सही है। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि अपने एक बार दिल की सुनिए, क्या आप केस जो आप कर रहे हैं आज की तारीख में डॉक्टर कफील के अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं, क्या आप सही लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सही है आपकी? कल मनीष भाई सोचिए कि आपका भाई हो, भतीजा हो, कोई हो, रात में कुछ हो जाए, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, और आप भी अस्पताल पहुंचे और वहां पे मुसलमान ही डॉक्टर कोई नजर आए, तो आप उसको डॉक्टर देखोगे या उसके अंदर देखोगे ये खान है या ये खन्ना है, क्या देखोगे आप? आपको इमीडिएटली सहायता चाहिए होगी डॉक्टर की। मेरे पास एक प्रूफ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने पहला वीडियो डाला था ना जनवरी 2, 2019 में मनीष भाई, तो मैंने डॉक्टर कफील साहब को कहा था कि आप अमेरिका आ जाओ, यहां पे आपकी बड़ी इज्जत होगी, यहां अमेरिका में बड़ी इज्जत है मनीष भाई, इंडियन डॉक्टर्स की बहुत इज्जत है। इन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया था? कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं यहीं रहूंगा अभी भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये 2019 में बोला था मनीष भाई उन्होंने। आप क्यों लड़ रहे हो केस? मेरे हिसाब से मनीष भाई आज की तारीख में कोई भी वकील हो ना इंडिया में, जहां तक मैं समझता हूं, अगर डॉक्टर कफील को जानता हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वो उनके अगेंस्ट केस नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ सकता, इस 100% गारंटी इस बात की। कई लोग आज की तारीख में आवाज उठा रहे हैं, अभी उनके परिवार ने भी एक कुछ रिलीज किया कि उनको डर है कि उनको मार दिया जाएगा, ये सब कर दिया जाएगा, और उन्हें ये भी कहा कि मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि आत्महत्या करना ठीक नहीं होता, ये कुरान में लिखा है, और इंसान है उसके बाद में मुसलमान है। मनीष भाई, ऐसे बहुत लोग हैं अपने समाज में बैठे हुए हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, अभी आप दुबे का ही देख लो, मजा तो जब आता मनीष भाई कि आप दुबे के खिलाफ ये जो केस है ये बनाते और लोगों को इंसाफ दिलवाते उन जो 8 पुलिस वालों के परिवारों को, तब मजा आता। एक बार ही मिल लीजिएगा डॉक्टर कफील से, अकेले में बैठिएगा, कभी मौका लगे जेल में आपको, आधा पौन घंटा का आपको मिल जाएगा, मिलके बैठिएगा, बात करिएगा। उम्र में आप छोटे हैं, मगर जिस काम में उसमें आपको तजुर्बा है, मगर जिंदगी का तजुर्बा शायद हमको आपसे ज्यादा होगा। मेरी अपनी आप भी थी, मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया की जुडिशरी के अंदर कैसे एक बारी मुझे तकलीफ हुई थी 6 महीने, मगर वही है ना, जिनकी इंडिया में अप्रोच होती है ये सब होती है, निकल आते हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी,
कोई गलती नहीं थी मनीष भाई मेरी, कुछ नहीं, जस्ट अ प्रॉब्लम कि मैं अप्रवासी भारतीय था, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया था। और ये बहुत होता है अप्रवासी भारतीयों के साथ कि उनकी जमीन की हम लोग कोई देखभाल नहीं करते, तो धीरे धीरे जमीन खा जाते हैं लोग। फिर हम जाके देखते हैं अरे जमीन कहाँ गई, क्योंकि ये अमेरिका में ऐसे होता नहीं है, जमीन पे कब्जा कर लिया, ये सब कभी सुना नहीं अमेरिका में। खैर वो बात अलग है, पर मैं मनीष भाई आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बारी एज अ ब्रदर ही बोलूंगा मैं आपको, एक बारी चिंतन करिएगा। और मेरे हिसाब से एक बारी आप ना पूरा इनका स्टडी करके एक बारी अपनी वाइफ के साथ बैठिएगा और उनसे पूछिएगा क्या मैं केस सही लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा। इंसानियत के लिए आपको केस लड़ना है, किसी पार्टी विचारधारा के लिए नहीं। क्या इंसान ये इतना काम करता है, इसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गोरखपुर में, जो बच्चों की हत्या हुई, मैं तो हत्या ही बोलूंगा, हत्या ही थी वो, जो भी हत्या हुई नेग्लिजेंस की वजह से, उसमें कौन गया जेल? मनीष भाई यहां पे अमेरिका के अंदर, अगर मैं पहले भी कहा है, अगर यहां के जानवर के अस्पताल के अंदर अगर कुत्तों की मौत हो जाए ना पांच, तो यहां के मेयर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, पांच कुत्तों की मौत भी हो जाए तो। और आप पूछ लीजिएगा, आप तो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, आपके भी रिश्तेदार रहते होंगे अमेरिका, आप भी अमेरिका आते होंगे, यहां के कोर्ट्स भी मैंने कई बार दिखाए किस तरह चलते हैं, हर जगह गलत लोग हैं मनीष भाई, मगर आपका काम है उन गलत लोगों को दबोचना। आज की तारीख में अगर मेरे हिसाब से तो सरकार को इनको पद्मश्री देना चाहिए जो इन्होंने काम किया है। और आज की तारीख में डॉक्टर को तो अपन ने कहा है भगवान होता है, अब वो बोलते हैं कि सीए जो एनआरसी का कोई शाहीन बाग में चल रहा था वहां जाके देश विरोधी बातें कराए थे। साहब देश विरोधी काम तो अपने देश में जो एमपी एमएलए वो करते हैं, देश विरोधी काम कौन सा काम नहीं करते, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, हवाले के धंधे करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। तो जो 30-35% जो एमएलए एमपी बैठे हुए हैं आज की तारीख विधानसभा और लोकसभा में, उसके अगेंस्ट केस लड़िए आप, उन लोगों को नीचे लेके आइए तो मजा आएगा। बाकी आपकी मर्जी मनीष भाई, मेरे को तो धमकाइएगा मत कि महारानी दावा कर दूंगा, मेरे पे नहीं चलता वो सब चीजें, बहुत बारी हो चुका है, कुछ इट डजंट वर्क ऑन मी, यू नो। तो जो सही है वो सही है और जो गलत है मनीष भाई, ठीक है। तो एक बारी चिंतन जरूर करिएगा, एज अ ओल्डर ब्रदर आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। तो जो 30-35% जो एमएलए एमपी बैठे हुए हैं आज की तारीख विधानसभा और लोकसभा में, उसके अगेंस्ट केस लड़िए आप, उन लोगों को नीचे लेके आइए तो मजा आएगा। बाकी आपकी मर्जी मनीष भाई, मेरे को तो धमकाइएगा मत कि महारानी दावा कर दूंगा, मेरे पे नहीं चलता वो सब चीजें, बहुत बारी हो चुका है, कुछ इट डजंट वर्क ऑन मी, यू नो। तो जो सही है वो सही है और जो गलत है मनीष भाई, ठीक है। तो एक बारी चिंतन जरूर करिएगा, एज अ ओल्डर ब्रदर आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। मैं कोई फोर्स नहीं करना चाहता, आप केस से अगर हाथ खींच लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आज की तारीख में डॉक्टर कफील के अगेंस्ट जाएगा कोर्ट में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई नहीं जाने वाला, नथिंग, इट्स इम्पॉसिबल। और इनके वीडियो देखिएगा, कहां कहां जाके क्या क्या सेवा करी है इन्होंने, रिपोर्ट कार्ड है बंदे के पास, बंदा कभी देश के खिलाफ हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता कि ये बंदा देश के खिलाफ कुछ बात करेगा। इनको देश से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत, गारंटी करता हूं, मेरे से और आपसे भी ज्यादा इनको मोहब्बत है। बाकी आपकी मर्जी मनीष भाई, ठीक है। जय हिंद भाई साहब।